नमस्ते लोकेश, ऊपर गॉड गणेश और मैं हूँ भुवनेश। और गाइस, आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज के वीडियो में। और गाइस, आपको पिछले वाले वीडियो में याद होगा ही कि क्या हुआ था। पिछले वाले वीडियो में हम लोग अपने आप ही आते गेम में मर गए थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं रात हो रही थी तब, और मैं एक्चुअली सो गया था। और जब मैं आया था तब गेम एक्चुअली लैग कर रहा था, और ना तब मैं ऑलरेडी 3 अर्थ पे था, और ना जैसे ही मैं आया और मैंने ध्यान था गेम ऑन वीडियो ऑन करने पे, और जब मैंने वीडियो ऑन करा तब तक मैं मर चुका था। और इसलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए आपको मैं मरा हुआ दिखा, हाँ यही वजह है। और उसके बाद मैं मर चुका था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मेरे पास बहुत सारा सामान था, बहुत सारा, खाने का, पीने का, रहने का, सब कुछ का। बस मैं विलेज का ढूंढ रहा था, विलेज तो मुझे मिला नहीं, उल्टा मैं अब मर गया था। खैर, मैंने बेड वगैरह भी बना ली, और मेरे को थोड़े बहुत आयरन भी मिल गए, जैसे कि आयरन के मैंने वाटर बकेट वगैरह भी बना लिया, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, आज हम बनाने वाले हैं घर। अब देखते हैं अगर आसपास कहीं विलेज मिल जाता है तो अपनी किस्मत, वरना तो अपन घर बना यहीं पे घर बनाना पड़ेगा। अच्छा, अरे नहीं 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 नहीं, ओह माय गॉड, लिटरली मैं 0 अर्थ पे हूँ। ये देख सकते हो गाइस, मैं साइड में आपको दिख रहा होगा, मैं लिटरली 0 अर्थ पे हूँ। बंदे ने 2 ट्राइडेंट में मेरी क्या हालत कर दी भाई। मैं ये फालतू में उससे मजे लेने गया था, और मुझे इससे वाले चिकन मेरे को आपको मारना होगा, तभी मेरे को खाना मिलेगा और मेरी हंगर खत्म होगी। अरे यार, अभी ये और लग गई हंगर की, और मैंने हंगर ख़त्म करने के लिए करी और हंगर लग गई। खैर, अब एटलीस्ट मेरे पास हाफ अट्टो है, वो गया आई थिंक। मेरे ट्रेडेड में ले नहीं सकते थे, क्या चीज़ मेरे को मिल जाता, तो असंभव वाली बात है। मैं उनको हंगर लग गई और मैं 1 अट पे फिर से रुकी हूँ, तो मुझे आपको ही मारना होगा। हंगर खत्म होते होते एक और लगी, तो मुझे इनकी एक और प्रजाति दी, 2 लगी। हंगर नहीं लगी, ये देखो भाई, जब मेरे को हंगर भी नहीं लगी, मेरा काम हो गया। चला गया, उसके बाद हम आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, अब फाइनली, पर अभी भी मेरे को आसपास कहीं विलेज नहीं मिला है गाइस, तो मुझे घर ही आई थिंक यहीं पे बनाना पड़ जाएगा। घर यहीं पे बनाना पड़ेगा तो दिक्कत भी है थोड़ी बहुत। खैर, मैं आसपास का एरिया थोड़ा लोकेट करके आता हूँ, अगर कुछ मिल जाता है तो। और गाइस, मेरे को लास्ट टाइम ये मिली थी माइनशॉफ्ट, जिसकी मदद से मेरे को थोड़े बहुत आयरन मिले थे। मैं एक बार और नीचे जाने वाला हूँ, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए, तो चलता हूँ फिर। और मैंने आसपास लोकेट करा तो मुझे कुछ मिला तो है नहीं, पर अभी मैं नीचे जाके देखने वाला हूँ कि मुझे क्या उधर कुछ मिलेगा। ओह नहीं, मैं वहाँ पे मैग्मा है, उससे मेरे को डैमेज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लावा है, इस लावा से भी मेरे को बच के रहना होगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। बच, इतना नीचे तक मैंने आया अभी तक। ओ माय गॉड, रोज है, इस रोज का मैं कहूँ कोबल स्टोन बन गया अपने आप ही, और आगे रोशनी नहीं है। ओ मेरे पड़ोस में भी इतना आयरन निकल जाता भाई, माइन करो माइन करो, इतना आयरन भी चला जाता हाथ से। मुझे कुछ प्लेस करना होगा, कॉपर स्टोन प्लेस कर देगा, ठीक है, बाद में वो भी तोड़ लेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले गाइस, यहाँ टेंशन लो ही मत। आसपास और आयरन होते तो बढ़िया होता, खैर इतने ही है। चलो मैं ऊपर चलता हूँ, अगर कुछ और मिल जाता है देखता हूँ, वरना ऊपर चलता हूँ। ओ गाइस, जरा ये देखो, मैं इस ब्लॉक पर खड़ा हूँ और दूसरे साइड पर लाऊँ, अगर मैं भी जल जाता ना भाई, मैं गारंटेड मरता। हालांकि मेरे पास पानी की बाल्टी है, उससे मैं ज़रूर बच जाता। ओके गाइस, तो मैं फाइनली यहाँ पे आके सो चुका हूँ, मेरे को थोड़े बहुत आयरन मिल गए, उसके बाद मैं वापस आया, लेकिन आते आते रात हो गई थी तो मैं यहाँ पे सो गया था। हाँ, सुबह हो गई है, अब मुझे अपने काम पे लग जाना है,
थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, हम पहले क्राफ्टिंग टेबल लगा देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा बहुत आयरन मिला तो उसको भी थोड़ा बहुत चला देता हूँ। हाँ तो स्टिक मैंने शायद इसलिए बनाई होगी ताकि मैं वो है ना फर्नेस आयरन तो जला सकूँ। बस दो देखो दो बकेट चाहिए, आयरन को इधर रखा और इसको इधर रखा, निकल रहा था स्टिक को। आयरन जलते रहेंगे तब तक मैं क्राफ्टिंग टेबल पे एक वुड की शवल सही, वुड की सही एक शवल बना देता हूँ, वो सवाल चाहिए इसलिए मैंने वो बाकी के तीन स्टिक्स नहीं निकाले। ये रिवुड की चवल स्टोन की बना देता हूँ ज़्यादा सही रहेगी, इसको डालने के लिए एक स्टिक ही और ये तो ख़त्म हो गया, एक कोल तो डालना ही पड़ जाएगा मुझे। खैर एक स्टिक को मैं इमरजेंसी को तो छोड़ देता हूँ, तो गाइस अभी मैं लग जाता हूँ काम पे, इन सारे सैंड वगैरह को तोड़ देता हूँ ताकि मैं बना सकूँ कॉन्क्रीट सैंड ग्रेवल ही, ग्रेवल से ना पता चला ग्रेवल ही नहीं है कुछ और चाहिए, हाँ ग्रेवल ही ओके, अब मुझे ग्रेवल का टेक्सचर ही पता है। गाइस मैं स्किप करना भूल गया था, मेरी मिस्टेक है। ओके तो गाइस अब फाइनली यहाँ पे मेरे काम हो गया, मैंने निकाल दी है वो आयरन, तो अब मैं बना देता हूँ जो भी मुझे बनाना है, मतलब आयरन का आर्मर वगैरह कुछ भी बना सकता हूँ। पर तो मुझे लड़ने के लिए कुछ चाहिएगा, शील्ड भी चाहिएगी, शील्ड भी चाहिएगी ठीक है, शील्ड की मेरे को इतनी भी ज़रूरत नहीं है। आयरन का हेलमेट, लेगीज, चेस्ट प्लेट बना बना ही नहीं सकता, स्वॉर्ड बना सकता हूँ, दो आयरन के एक्स भी बना सकता हूँ ना आयरन की, तो अच्छा स्टिक नहीं है ना मेरे पास इसलिए नहीं बना सकता, फिर स्टिक तो मैं और बना सकता हूँ ना, मैं चार स्टिक और बना डालू, आयरन की एक्स भी बना सकता हूँ जो कि मेरे ज़्यादा काम आएगी आयरन की एक्स, और ज़रूरत पड़ेगी तो पिक एक्स बना दूँगा, मेरे पास अभी 5 आयरन इनवर्ट्स हैं, और अगर मैंने वो फालतू में गलती से दो बकेट नहीं बनाए होते तो 9 होते, खैर वो मेरी मिस्टेक है वो कुछ नहीं कर सकता, पर देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ बनाएंगे इससे गाइस। मैं खैर बारिश हो रही है, मेरे को इस बात का डर है कि कहीं जो मॉब्स मॉन्स्टर्स कौन ना हो जाए। ओके तो गाइस एक और ज़रूरी चीज़ है फ्लावर्स, इनकी मदद से मैं डाई से कॉन्क्रीट बना पाऊँगा पहले भी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा तो सैंड ग्रेवल नहीं करूँगा, कुछ इकट्ठा करी है तो अभी मैं इनको इकट्ठा करता हूँ और इनसे अपने घर बनाऊँगा। ओके तो चलता हूँ, मैंने थोड़ा गलती से शुरू कर दिया, अब मैं जाऊँगा उस पर और देखते हैं मेरे कॉन्क्रीट अभी भी नहीं बना पा रहा, येलो कॉन्क्रीट तो बनाना चाहिए ना, अच्छा मैंने डाई नहीं बनाई, मैं वही देखो मैं भी नहीं बना पा रहा, तो उसके लिए मुझे डाई बनानी होगी जो कि सान डाई बन जाएगी। ओके सान डाई बन चुकी है, इसका मुझे बनाना है येलो कॉन्क्रीट पाउडर जो बन जाएंगे 8, मैंने 8 येलो कॉन्क्रीट पाउडर बनाए, अब मुझे और भी बनाने पड़ेंगे वैसे तो, इसके लिए मुझे और ग्रेवल भी चाहिएगी और सैंड भी, और सैंड तो कभी मिल जाती है गाइस बट ग्रेवल है ना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे ये बताओ मुझे, आपको तुम्हारे पास ट्राइडेंट भी नहीं है गाइस, अभी कितनी लकी बात होती अगर ये मेरे को ट्राइडेंट दे देता, मतलब इससे बड़ा तो मेरे पास कुछ लकी नहीं होता सकता भाई, खैर उसके चांसेस इतनी कम है कि हमसे ना हो पाएगा, उसको छोड़ो अपन इसको ड्राइवर को इकट्ठा करते हैं, अभी यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं लगा मैं पर है ड्राइवर जिनको मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, तो उनको मैं इकट्ठा करके और आपसे मिलता हूँ। गाइस फाइनली बारिश रुक चुकी है, ये भी एक अच्छी बात है, हाँ अब मैं इस पर फिर से काम कर सकता हूँ ग्रेवल पे। ओके गाइस तो मेरे पास सैंड तो एक स्टैक ज़्यादा हो गया, मेरे को ग्रेवल इकट्ठा करनी है,
ओके तो गाइस मैंने 48 येलो कंक्रीट पाउडर बना दिया और आई थिंक 50 ब्लॉक्स में अपना इतना काम तो हो ही जाएगा। बस अब इनको सुखाने की बारी आती है जिनको मैं अभी सुखा देता हूँ। ओके गाइस फाइनली मैंने सबको सुखा दिया, अब मैं एक एरिया बनाता हूँ जहाँ पे मैं रूम बनाऊँगा। ओके तो गाइस मैंने कुछ ऐसा सा रूम बनाया है, बस मैं इसके ऊपर और ग्लासेस लगा रहा हूँ ताकि मैं ना इसके छत को उससे कवर करना चाहता हूँ ग्लासेस से ना, और मैंने इसके लिए सैंड वहाँ पे लगा दी है। हालांकि इसमें मेरा बहुत सारा होल खर्च हो गया है, अभी मेरे पास और आ गई है तो मैंने कर लेता हूँ, इनको भी लगा देता हूँ ताकि फिर मैं यहाँ पे इसकी छत पूरी कर सकूँ। उसके सामने तो मैंने देखो आप देख सकते हो मैंने लगा दी है। अब मैं क्या करूँगा इस मेरी वुड की पिकेक्स की एच पी बिल्कुल नहीं है, ये वैसे ही चला जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो नहीं रखेगा क्या। एक काम कर दो गाइस, अपने इससे एक काम भी हो जाएगा, मेरे पास पॉकेट है ना वाटर पॉकेट। ओके वाटर पॉकेट हाथ में लेनी है, सोचो समुद्र पर जाते हैं और चाहे प्लीज ही लगा क्या, कोई बात नहीं मैं इसे यहाँ पे कहीं पे भी लगा दूँगा, वो तो वैसे भी टेंशन ही नहीं है, बाद में वापस भर लूँगा। तो पड़ोस में समुंदर है गाइस, मैं कहीं पे भी जाके भर सकता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ और नीचे से है ना लावा लेके आता हूँ, उससे है ना मेरा काफ़ी काम आसान हो जाएगा, मेरे को अपनी बकेट भी शायद वापस मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। ओह माय गॉड मुझे बकेट भरने के लिए इतना ऊपर जाना पड़ेगा क्या, देखता हूँ फिर रास्ता। तो गाइस गाइस बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बकेट ना जाए इसके साथ। ओके गणपति पापा मोरिया, हाँ नहीं गई, लेट्स गो, फुल फायर में मिल गई, अब अपना काम गाइस हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस मैंने इसको पूरा कर दिया है, ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़े ग्लासेस लगा दिए हैं और मैंने सैंड हटा दी, उसकी जगह मैंने अपना खाना रख दिया ताकि वो होता रहेगा गर्म। ओह माय गॉड मुझे और भी खाना लाना पड़ेगा लगता है, और ठीक है मेरे को जो आयरन मिला है उसका भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं डिसाइड करा है इसका बनाने का, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी मैं एक शील्ड बना दूँ। और ये देखो आयरन हमारे 5 का लेता है और बूट्स 4 के बन जाते हैं, पर ज़्यादा हेल्प कौन करते हैं ये सवाल उठता है, तो ज़्यादा हेल्प दोनों ही नहीं करते हैं, हेल्प करता है हमारा आयरन की एक्स सबसे ज़्यादा, और उसके बाद भी 3 बच जाएंगे। और आयरन की स्वॉर्ड भी वैसे काम की चीज़ है, बट मैं आयरन की एक्स लेना चाहूँगा और आयरन की पिकेक्स भी। एक मिनट मेरे पास 3 आयरन तो है ना, अभी 2 ही है क्या, एक और आयरन होता भाई आयरन की पिकेक्स हो जाती है। छोड़ो गाइस फूड भी तो सारे तैयार हो गए और मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और खाना लेके आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओ गाइस मैं लीदर का भी कुछ बना सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ अभी तो फिलहाल लीदर का पहन लेता हूँ, मेरे पास कितना लीदर है, 8 लीदर है, तो मैं एक बार चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ कुछ तो हो ना, और सब खत्म हो गया ठीक है। फिर फ्लिंट एंड स्टील बना सकता हूँ, 2 आयरन का, आयरन नहीं लेता तो मैं ज़रूर बनाता हूँ, भी आयरन लेगा और शील्ड में भी आयरन लेगा। हाँ मैं फ़िलहाल इसको सेव के लिए रखने वाला हूँ, और सेव से याद आई मेन चीज़ जो मैंने अपने घर में बनाई नहीं, पहले तो डोर मैंने 3 बना दी गलती से, मेरे 2 ही बना देते। ओके तो डोर तो हमारे रेडी हो गए हैं, तो मैं रात बिता भी सकता हूँ चैन की। और मेरे पास कोल है क्या, हाँ मेरे पास 2 कोल है, इसके मेरे को टॉर्च बनानी पड़ेगी, 2 टॉर्च पे एक 4 बना देता हूँ, बस 4 ही बना रहा हूँ मैं ज़्यादा नहीं, इसका भी काफ़ी काम है। एक तो टॉर्च यहाँ पे लगा देता हूँ, एक टॉर्च यहाँ पे लगा देता हूँ, एक टॉर्च यहाँ पे लगा देता हूँ और एक टॉर्च यहाँ पे लगा देता हूँ, 4 टॉर्च हो गई है। और मेन चीज़ जो मैं लगाना चाहता हूँ अपने घर में वो है चेस्ट, तो इसके लिए मैं प्लैंक्स बनाने वाला हूँ, और अभी मैं एक चेस्ट बना सकता हूँ, तो चेस्ट रख देते हैं इस साइड पे। और इधर हमारा है देखो बहुत सारा सामान भी इकट्ठा हो गया, तो उसको रख देते हैं, कुक मटन डॉट मेरे पास रहनी चाहिए, ग्लास इधर रख देता हूँ, ये एक वो प्लैंक रख देता हूँ, उसको रख देता हूँ, सैंड को रख देता हूँ, मेरे पास एक जो बकेट पड़ी है भी काम की है, कोल भी है इसके लिए रख देता हूँ। आयरन की एक्स अभी यूज़ नहीं करेंगे, बाद में कभी यूज़ करेंगे, मैं सोच रहा था भाई आयरन के एक्स की जगह ना पिकेक्स बनाता ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अभी मेरे को डायमंड मिलेगा
तो मैं डायमंड का कुछ कर नहीं सकता। डोर भी इधर रख देते हैं, इसको भी इधर ही, आयरन तो बिल्कुल इधर ही, ये सब फालतू का सामान मेरे पास रख सकता हूँ अपने पास। खैर मेरे को स्टोन की भी कुछ चीज़ें बनानी है, और मैं बना सकता हूँ केवल स्टोन की, स्वॉर्ड तो वही बनाता हूँ, और ये पूरी रात तो यही रोशनी करता रहेगा। तो मैं देखता हूँ और भी कुछ रख सकता तो रखता हूँ। बट वेट गाइस, एक मिनट, ये क्या चीज़ है हमें? ओ वाह गुड, अच्छा ये तो मेरा घर है। और गाइस जरा आप मेरे घर को देखो, क्या सोने की तरह चमक रहा है भाई साहब जी। हाँ हाँ, दूर से मतलब मेरे को दूर से भी दिख जाएगा अपना घर कि कितना सोने की तरह चमक रहा है। वाह, मैं किसी काम से उधर पेड़ पे लॉक्स लेने गया था, और ये देखो भाई क्या सोने की तरह चमक रहा है मेरा घर। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस अगले वीडियो में मेरे को क्या करना चाहिए ये ज़रूर बताइएगा। ओके तो थैंक यू, गुड बाय।